नदियों में हो रहे अवैध उत्खनन के विरोध में निकाली जा रही विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा का आज समापन है, जिस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। विश्वास सारंग ने कहा कि यात्रा का नहीं कांग्रेस का ही समापन होने वाला है। कांग्रेस नेता ही अवैध उत्खनन कर रहे थे, अब दलाली और हफ्ता वसूली बंद हो गई इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बेरोजगारी को लेकर किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी विश्वास सारंग ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में एक भी बेरोजगार युवा को भत्ता नहीं दिया। यात्रा का समापन नहीं है, कांग्रेस का समापन होने वाला है। तो किस बात की यात्रा कर रहे हैं? अवैध उत्खनन तो कांग्रेस के नेताओं ने किया, अब आज जब दलाली बंद हो गई है, हफ्ता और महीना बंद हो गया, तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के प्रपंच, इससे जनता को कोई फर्क नहीं। देखिए,